हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड ट्रैश एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और हमारा सिल्वर बटन हमें रिसीव हो चुका है और अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरे पास आया और यूट्यूब पर भी हम वेरीफाई हो गए हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतने प्यारे प्यारे DMs करते हो, बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। और इंस्टाग्राम पे 50K करवा दिए तो 51.2K हो गए, बस यार ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। और अब आते हैं आज की मेन टॉपिक के ऊपर। आज हम ट्राई करने वाले हैं एवरी टाइप ऑफ डोनट्स। हमने डंकिन डोनट्स उनके सारे डोनट्स खरीद लिए हैं और हमारे पास डिफरेंट 18 टाइप के डोनट्स है भाई, 18 तरीके के डोनट्स हैं हमारे पास। और उनको देखते ही ना आप सबको भूख लग जाएगी एकदम से, मतलब फूड गैजम हो जाएगा। बहुत सुंदर लग रहे हैं वो देखने में। अभी हमने फ्रीजर में रखे हुए हैं कि मेल्ट ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए। चलो अब उसे फ्रीजर से निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं डोनट्स और सबको ट्राई करते हैं और फिर आपको रिव्यू करके बताते हैं। गाइस, ये रहा हमारा डंकिन डोनट्स का पूरा मेन्यू। पूरा मेन्यू तो नहीं, उनके सारे डोनट्स। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये देख लो भाई, बिल 1200 रुपये का बिल है, ठीक है। खरीद के लाए हैं हम, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम अपने आप से ही कर रहे हैं। तो अब इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और इन सब के नाम मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, नहीं तो आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। खैर, पिंक वाला जो है ये बहुत सही लग रहा है मेरे को देखने में। इसको रखते हैं साइड और देखते हैं आप दूसरे डब्बे के अंदर क्या है। ओए होए, इनको देखते ही प्यार हो गया इनसे तो। बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं तो देखने में। ये आगे क्या लिखा हुआ है? असॉर्टेड डोनट्स, नई शुरुआत, नई मिठास। अबे नाम इतना सही है, काम इन्होंने भाई कर दिए। जैसे लोकल दुकानों पर नहीं लिखा होता, यहाँ पे अग्रवाल की दुकान पर जो वैसे लिखा होता है वो। तो ये देखो टोटल 18 डोनट्स हैं, 6-6 हर एक बॉक्स में है। और ये अराउंड 1200 रुपये के पड़े। और ये देखो भाई, ये भी बहुत प्यार लग रहा है देखने में। और मेरे को कमेंट करके बताना कि ये जो डोनट्स होते हैं बीच में से खाली क्यों होते हैं। मेरे को तो पता है क्यों होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बताओ, वरना वीडियो के एंड में तो बताऊंगा कि बीच में से खाली क्यों होते हैं। चलो अब इनको लगाते हैं प्लेट में और टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमने अपना डोनट्स का सेटअप बना लिया है। तो ये रहा हमारा सेटअप और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। सबसे प्यारा तो मेरे को ये वाला डोनट लग रहा है। और मेरा मन भी नहीं कर रहा है डोनट्स को ऐसे सुंदर सुंदर देख के खाने का, मन कर रहा है बस देखता ही रहूं। टोटल 14 डोनट्स हैं, तो 4 हमने अलग रखे हैं, आपको हम अलग से ट्राई करके दिखाएंगे। तो इस प्लेट के अंदर लगभग 14 डोनट्स हैं और सबसे प्यारा तो मेरे को ये लग रहा है। देखो कितने सारे कलर्स हैं, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं हमारे पास डोनट्स की। ये सारे डोनट्स हैं और इन सबको बोलते हैं एक्लेयर्स। इनका नाम था मेकअप एक्लेयर्स, ऐसे कुछ करके इनका नाम था। और बहुत सारा मेकअप भी कर रखा है इन्होंने। और यार इतने सुंदर लग रहे हैं देखने, खाने का मन ही नहीं कर रहा मेरे को तो। लव एट फर्स्ट साइट हो गया इन सबसे। तो अब बताओ खाना है या नहीं खाना है, बस देखते ही रहूँ इनको। तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें इनकी टेस्टिंग। तो चलो अब सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा चॉकलेटी लग रहा है ये तो। उसके ऊपर चॉकलेट डाल रखी है, नीचे डोनट है ये। तो इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हल्का सा माइक्रोवेव करा था हमने, क्योंकि जो डोनट है उसको माइक्रोवेव करके ही खाते हैं। फ्रीजर में हमने इसलिए रखा था कि ख़राब नहीं हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है साल दिल्ली में। ट्राई करते हैं दूसरा डोनट, ये वाला ट्राई करते हैं। बहुत सही लग रहा है अभी देखने में। इसके अंदर चॉकलेट का उतनी क्या लगा रखा है ये देखो। और इसको ट्राई करते हैं अब। एकदम डार्क चॉकलेट है, बहुत सही का टेस्ट है यार। और थोड़ा मैं दूसरी बार डोनट्स खा रहा हूँ अपनी लाइफ में, पर यार बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो। पहले क्यों ट्राई करी कभी मैंने, मज़ा आ गया। तो अब ट्राई करते हैं कोई और डोनट। तो चलो ये वाला करते हैं जो बहुत प्यारा लग रहा था मेरे को। और ये सारे डोनट्स हमने पैसिफिक मॉल से खरीदे थे, वहाँ पे डंकिन डोनट्स का आउटलेट है। आपके घर के आसपास कोई हो तो वहाँ से भी ले सकते हो, जब पैसिफिक मॉल से तो ले ही सकते हो। और यार पता हो तो ये छेद के होते तो बताना मेरे को डोनट्स के बीच में। भाई सारे डोनट्स ही बहुत टोपी हैं, उन सबसे अलग है, चॉकलेट ही नहीं है ये। थोड़ा अलग सा ही टेस्ट है, मतलब मज़ा सा आ रहा है। और जो इसके ऊपर ये डाल रखे बहुत क्रंची है ये भी खाने में, सही चीज़ है यार तो बहुत ज़्यादा। तो यार जो अभी तक हमने डोनट्स ट्राई करे जो इस प्लेट के अंदर हैं, उन सबका प्राइस है 79 रुपीज़। और जो ये वाले रखे हैं इनका प्राइस है 99 रुपीज़। और जो नॉर्मल डोनट्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी टॉपिंग या कोई भी मतलब चॉकलेट वगैरह नहीं लगा रखी होती, उसका प्राइस है 59 रुपीज़। तो वो तीन ही थे उनके पास, तो उन्होंने मतलब हमने लिए नहीं फिर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक थे और वो हर किसी ने ट्राई कर ही रखे होंगे। तो अब चलो अपना दूसरा डोनट ट्राई करते हैं। अब इस वाले को ट्राई करते हैं और ये तो जेम्स लगा रखे हैं उसके ऊपर, बहुत सारी चॉकलेट है भाई। जिसने भी बनाया ना हाथ चूम लूँ उसके, मेरे को तो हर एक डोनट को खा के बहुत सही लग रहा है। मुझे भी बहुत क्रंची था और गर्मा गर्म डोनट्स हैं, एकदम सही लग रहा है। मौसम भी बहुत सही हो रहा है आज तो, गर्मी थोड़ी कम है, सही लग रहा है। अब कुछ कोई और डोनट्स ट्राई करते हैं। और ये जो सारे डोनट्स हैं इन सबका बेस तो सेम ही है,
बस किसी के ऊपर चॉकलेट डाल रखी है, किसी के ऊपर स्प्रिंकल डाल रखे हैं, जैसे इसके ऊपर ये भी अजीब से जेम्स तरीके डाल रखी है। और ये तो बहुत, ये वाला बहुत चॉकलेटी लग रहा है मेरे को देखने में। और अभी तक जो मैंने ट्राई करे मेरे को सबसे बेस्ट लगा ये वाला, नाम मेरे को इनके भी ध्यान नहीं है तो आपको मैं बाद में बता दूंगा। ओ तो ये तीनों तो मेरे को ऑलमोस्ट सेम से लग रहे हैं चॉकलेटी से, तो अभी ये वाला ट्राई करते हैं हम। इसका थोड़ा सा वनीला का टेक्सचर लगा रखा है और पूरा चॉकलेट में कवर है ये। ओपी भाई ओपी, बहुत हार्ड चीज़ है, हल्का सा चॉकलेटी कम है ये उन सब के कंपैरिजन में, पर सही चीज़ है यार ये, मज़ा आ रहा है खाने में। हाँ और यार आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार वीडियो देखते भी हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते। तो यार आप सबको पता है मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ पढ़ाई में और क्षितिज भी थोड़ा बिजी रहता है, तो यार हम बहुत मुश्किल से आप सबके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं। तो यार थोड़ा सा हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने का वीडियो को एक लाइक और कमेंट तो कर ही दिया करो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे कि आप सब इतना प्यार दिखाते हो। तो चलो आते हैं दोबारा से टेस्टिंग पे, और हमने इसमें से ऑलमोस्ट सारे डोनट्स टेस्ट कर लिए, दोनों मेरे को सेम से ही लग रहे हैं तो मैं ये वाला ट्राई कर लेता हूँ। ये देखो ये भाई सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है। और आपको इसको देख के भूख लगी या नहीं लगी मेरे को बताना, क्षितिज का तो मुझे तो बाढ़ आ गई और एटलस भी परेशान हो रहा, कह रहा मेरे को दे तो मेरे को दे तो, पर उसको नहीं देंगे हम। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा चॉकलेटी और बहुत ज़्यादा क्रंची है ये भी, ये इस वाले से ज़्यादा क्रंची है, जिसके ऊपर जेम्स लगा रखे हैं ना, ये इस वाले से ज़्यादा क्रंची है, बड़ी जेम्स से छोटी जेम्स ज़्यादा क्रंची है। इसका प्राइस भी 79 रुपीज़ है। हमने पुराने डोनट सारे साइड कर दिए और हमने पूरी नई प्लेट सजा ली है। ये देखो इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोनट्स हैं, और इसके अंदर तो नुटेला और आलमंड्स का मिक्सचर डाल रखा है। ये वाला मेरे को डार्क चॉकलेट लग रहा है, सारे ही चॉकलेटी डोनट्स हैं इसके अंदर, और ये वाली तो सेम ही है, इसके अंदर मेकअप एक्लेयर्स लगा रखे हैं। तो पहले हम डोनट्स को ट्राई कर लेते हैं फिर हम एक्लेयर्स को ट्राई कर लेंगे। चलो जो हमने नई प्लेट बनाई है उसके अंदर से अपने न्यूटेला और आलमंड्स वाला डोनट ट्राई करते हैं। हाँ यार इसके ऊपर न्यूटेला ही लगा रखा था, छोटे छोटे आलमंड से पीसेस डाल रखे हैं। मैं कोई भी डोनट्स ट्राई कर रहा हूँ डंकिन डोनट्स का, मेरे को अभी तक सारे बहुत अच्छे लगे, कोई भी ऐसा डोनट नहीं था जो मेरे को अच्छा ना लगा हो, सारे एक नंबर लगे मेरे को तो। यार मैं सोच रहा हूँ कि हमने डोनट्स बहुत सारे ट्राई कर लिए, मेरा पेट भी भरने वाला ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैं एक्लेयर्स ट्राई कर लेते हैं पहले, कहीं ऐसा ना हो सारे डोनट्स खा जाऊँ और एक्लेयर्स खाने की जगह ही ना बचे। और यार ये वीडियो हम इसलिए करेंगे मेरा स्लो बटन आ गया और थोड़ा सा मुँह मीठा हो जाए मेरा और क्षितिज का, और आप लोगों की वर्चुअली कभी मिले तो आपका मुँह मीठा करवा देंगे। तो चलो अब एक्लेयर्स ट्राई करते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, 5 तरह के एक्लेयर्स हैं हमारे पास, नाम मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले से, इसमें 2 तरीके की लेयर्स दिख रही है मेरे को, तो ये तो वनीला और ये स्ट्रॉबेरी है, ऐसा सही लग रहा है। दोनों तरफ से एक एक बाइट ले लेंगे। भाई बहुत सॉफ्ट है, इसके अंदर देखो फिलिंग भी डाल रही है किसी चीज़ की, अगर आपको दिख रही होगी तो ये देखो भाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, वनीला का फ्लेवर आ रहा है, एक नंबर चीज़, दिस इज़ ऑसम। भाई इसके अंदर भी अलग फीलिंग भर रखी है, कलर दोनों का फ़र्क है, अलग अलग कलर हैं, देखो उसमें वाइट था और इसके अंदर पिंक कलर का फ्लूइड है। यार गजब चीज़ बनाई है ये तो। छत पे बंदर आ गया है तो इस वजह से हमारी थोड़ी वीडियो में अड़चन आ गई बीच में, और अभी तो बंदर जाते वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यार बंदर अभी भी गया नहीं है तो, और हमने उसके डर से थोड़े से डोनट्स हैं वो अंदर रख दिए, सिर्फ एक्लेयर रखे यहाँ पे 4, क्योंकि वो बिल्कुल पास आ गया था अभी हमारे और हम दोनों बहुत डर गए थे और हम अंदर भाग गए छुप गए कमरे के अंदर। और मैं सोच रहा हूँ फटाफट से इन्हीं को ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 6:30 हो गए हैं और 7 बजे तक अंधेरा भी होने वाला है। तो फटाफट से इन 4 एक्लेयर्स को ट्राई करते हैं और वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, नहीं बंदर काट वाट ना ले हमें। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले एक्लेयर से, नाम मेरे को ध्यान नहीं है पर देखने में तो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी लग रहा है ये। और वो जिससे पहले वाला डोनट था वो हम पूरा, जिससे पहले वाली एक्लेयर थी वो हम पूरी ख़त्म कर गए अंदर कमरे में जब गए थे, तो इसको भी टेस्ट करते हैं अब। भाई इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग डाल रखे हैं, थोड़ा सा खट्टापन है इसमें पर सही है यार। तो यार मेरे को तो डोनट से ज़्यादा एक्लेयर पसंद है, क्योंकि एक्लेयर के अंदर फिलिंग भी होती है, और जो मेजर डिफरेंस है इधर में वो यही है कि जो डोनट्स होते हैं वो रिंग शेप के होते हैं, राउंड होते हैं, और जो एक्लेयर है वो थोड़े लंबे होते हैं, जैसे ये एक्लेयर्स हैं सारे, और इसके अंदर फिलिंग भी होती है और डोनट्स के अंदर कोई फिलिंग नहीं होती। और हाँ यार जो डोनट्स होते हैं बीच में से खाली इसलिए होते हैं क्योंकि जो वो बेक होते हैं कुक होते हैं, तो जो वो हर जगह से अच्छे से कुक हो पाएँ, जो टेम्परेचर है उसका पूरे रिंग का वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए उनको कुक करने के लिए। और हाँ मैंने कोई गूगल नहीं करा, मेरे को पता थी ये बात, तो मैं बोला गूगल करके बता रहा हूँ। तो चलो अब ट्राई करते हैं अपना एक लेयर एक और, ये भी बहुत चॉकलेटी लग रहा है, इसके अंदर भी फिलिंग भरी हुई है, मैं तो बाहर निकल रही है।
सर ब्राउनी लगा रखी है, यहाँ से भी टेस्ट करके देखते हैं भाई, गजब की चीज़ है ये तो। एक्लेयर दिल जीत लिया इन्होंने मेरा। अगर आपको ट्राई करना है तो डंकिन डोनट्स से एक्लेयर ट्राई कर सकते हो। 99 रुपीज़ प्राइस है इसका ईच का। और अगर आप बॉक्स लोगे तो उनके बॉक्स भी होता है, वो आप वहाँ पर जाओगे तो उनका कोई भी सेल्समैन आपको बता देगा। तो यार अब कुछ अलग सा ट्राई करते हैं, क्योंकि इतने तो चॉकलेटी से लग रहे हैं, तो मैं ये वाला ट्राई करता हूँ। चॉकलेट खा खा के मन भर गया मेरा तो। इसके ऊपर जैम जैसा कुछ लगा रखा है और थोड़ा चॉकलेटी तो ये भी लग रहा है भाई। इसके अंदर प्योर चॉकलेट की फीलिंग है, देख भाई वो हल्की सी आपको दिख रही होगी, इसके अंदर प्योर चॉकलेट की फीलिंग है भाई। एक्लेयर वन शुड मस्ट ट्राई दिस एक्लेयर। कोई भी एक्लेयर ट्राई कर लो, आपको बिल्कुल पसंद आने ही आने हैं। और यार कोई प्रमोशन नहीं है ये, मत समझना प्रमोशनल वीडियो है, हम खुद ही खरीद कर लाए थे। मैंने आपको उसमें बिल भी दिखा दिया था। तो यार गजब की चीज़ है। और यार बंदर आ चुका आपको पता है, तो इसको ख़त्म करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। हमने सारे डोनट्स और सारे एक्लेयर्स ट्राई करने की कोशिश करी, पर यार मेरा मन भर गया इतने सारे चॉकलेट डोनट्स खा के और चॉकलेट एक्लेयर्स खा के इसलिए। और बंदर की वजह से भी हमें वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ा, क्योंकि बंदर के सामने शूट करना भी सेफ नहीं था, वो बार बार आ रहा था और मुझे और सतीश को बहुत डर लग रहा था कि काट ना ले। और यार अगर आप डोनट्स कभी लोगे डंकिन डोनट्स या कहीं से भी, तो आप उसको पहले थोड़ा माइक्रोवेव कर लेना 12 सेकंड तक, क्योंकि जो उसका डो है फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँ आपको, आपको पता झूठ तो मेरे से बोला जाता नहीं, पर मेरे को तो बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे सारे डोनट्स और सारे एक्लेयर्स। मेरे को बहुत सही लगे, मतलब मैंने दूसरी बार ट्राई करे, पहली बार मैंने बहुत पहले करे तो मेरे को इतना टेस्ट ध्यान नहीं था, पर आज जब करे तो यार दिल खुश हो गया मेरा तो। और सतीश को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे डोनट्स। और एटलीस्ट तो पता ही रो रहा है, दे दो पर दे तो सकते नहीं उसको भी। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ यार फिर से बता देता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं था, ये हम खुद जाकर लेकर आए थे डंकिन डोनट्स से, पैसिफिक मॉल वाले से। आप किसी भी से ऑर्डर कर सकते हो, कोई भी और ब्रांड डोनट्स का, आप कोई कहीं से भी ट्राई कर सकते हो। तो यार अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और यार बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।